नमस्कार, मैं वैद्य अवधेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वैद्य वर्मा आयुर्वेदिक उपचार में। मैं परंपरागत रूप से वैद्य हूँ और मैं आयुर्वेद में संलग्न हूँ। मैंने आयुर्वेद का गहन अध्ययन, प्रयोगों और हजारों रोगियों पर आजमाए नुस्खों का लाभ आपको प्राप्त हो, यही मेरा प्रयास है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साइंटका के आयुर्वेदिक उपचार भी। साइंटका यह बड़े हुए बाद दोष एवं दूषित कक दोष के कारण होता है। क्या आप साइंटका से पीड़ित हैं? क्या आपके पैर की नस दब गई है? क्या आपके पैर के नस का खून काला पड़ गया है? इसमें दर्द, वेदना और नितंब संधि से नीचे पांव तक उतरा करता है और कभी कभी उंगलियों तक पहुंच जाता है। साइंटका को पूरी तरह ठीक करने के लिए आप हमारे द्वारा बताए गए आयुर्वेदिक उपाय करें, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। औषधि शुद्ध गुग्गल लेना है आपको 50 ग्राम, लहसुन लेना है आपको 50 ग्राम, इनको लेकर घी के साथ खरल करें, दोनों को मिलाकर घी के साथ खरल करें और दोष पर खरल करने के बाद 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह शाम सेवन करने से साइंटका ठीक होता है। अगर इस गोली के साथ में 6 ग्राम निरगुंडी के पत्तों का काढ़ा बनाकर लिया जाए तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। काढ़ा बनाने की विधि, निरगुंडी के पत्तों को कुचलकर 1 कप पानी में मध्यम आंच पर उबालना है। जब पानी आधा कप बचे तब उतारकर ठंडा होने पर छानकर पी लें। आपको इसी तरह सुबह शाम सेवन करना है। जे आपको गूगल की इमेज दिख पा रही है और जे आपको लहसुन तो सभी लोग जानते हैं। परहेज वायु कारक एवं कफ कारक एवं शीतल पदार्थ, सभी प्रकार के तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि सारा पूर्णतः वर्जित है। नोट, यदि आप चाहें तो हमारी आयुर्वेदिक ओरिजिनल पद्धति से निर्मित दवाएं डाक से भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी संपूर्ण समस्या का विवरण लिखकर ईमेल करें। ईमेल आईडी वैद्य वर्मा आयुर्वेदिक उपचार @gmail.com या आप फोन से भी संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगता है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।